उम्मीद करता हूँ सर अच्छे होंगे। फिर मैं आपके लिए अच्छे अर्निंग वाले वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके लिए कि तुमको दो चीज़ इस वीडियो में करना पड़ेगा। पहला तुम्हें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और दूसरी बात इस वीडियो को लाइक कमेंट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। और जो एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको इसको बनाने के लिए आपको तीन चीज़ की ज़रूरत है। पहला आपको पैन कार्ड होना ज़रूरी है, दूसरा आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, तीसरी बात आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में होना चाहिए। तो तब भी तो पर दिन कितना कमाओगे मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कमाओगे जरूर, लगभग 10-12 हज़ार कमा लोगे आराम से। ठीक है, उस एप्लीकेशन का नाम तो मैं आपको बता दूंगा और एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना वो लिंक को। ठीक है, उसका प्रोसेसर मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। ठीक है, अभी चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं 5paisa के अंदर आप लोग एक नया अकाउंट कैसे क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी एक बंदे का, चाहे आपके घर में किसी का हो या फिर आपका पर्सनल हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक सिग्नेचर वाइट पेपर के ऊपर और आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, प्रमोशन कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिसको यूज़ ज़रूर से कर लीजिएगा। पर रेफर का आपको 250 रुपये मिल रहा है। तो चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं 5paisa.com के अंदर रजिस्टर करने की पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं वीडियो, मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक वाइट के पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर और एक बैंक का पासबुक या फिर कैंसिल चेक तैयार रखिएगा। आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन के अंदर आपको गेट स्टार्ट का बटन मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आप लोगों को कोई एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, जिसकी OTP आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो जाए। नीचे देखिए आप लोगों को एक प्रोमो कोड डालना है, जो कि ऑप्शनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग इतना सब कुछ डालेंगे, अगला नंबर है यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ईमेल के लिए यहाँ पे पूछेगा, तो वही कोई ईमेल आप लोग डाल सकते हैं जिसका पासवर्ड आपको याद हो, तो ऐसे ईमेल को ही चुनिएगा। चलिए मैं यहाँ पर ईमेल डाल लेता हूँ। ईमेल डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा अगले स्टेप में OTP। तो OTP आपके ईमेल के ऊपर जा चुका है, तो चलिए हम अपना ईमेल खोल लेते हैं। ईमेल खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 4 अंकों का 5 अंकों का यहाँ पे एक OTP आया रहेगा, तो उसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। आप लोग चाहे तो यहाँ से भी इसको क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम एप्लीकेशन से ही करते हैं। यहाँ पे हम अपने OTP को भर देते हैं, इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप में। जैसे ही हमने OTP को अपने यहाँ पर भर दिया, इसके बाद देखिए हमारा जो KYC वाला प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर डालना होगा अपना पैन नंबर। तो पैन नंबर आप लोग उसी का डालिएगा जिसका आधार कार्ड हो, सिग्नेचर हो। तो चलिए यहाँ पर पैन कार्ड हमने भर दिया, डालते ही यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नाम यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चुनना है, सब कुछ यहाँ पे एक्यूरेट होना चाहिए, जो कि आपके पैन कार्ड के अंदर और आधार कार्ड के अंदर हो। तो यहाँ पे चलिए डेट ऑफ बर्थ भी मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैन्युअली आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना डालने के बाद हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना बैंक डिटेल भरना होगा। तो यहाँ पे अपने बैंक का अकाउंट नंबर और IRFC कोड भी तैयार रखिएगा। बैंक के पासबुक पे आपको IRFC कोड मिल जाएगा। इतना डालने के बाद जैसे ही अगले स्टेप में जाएंगे, आपको आपके बैंक का नाम और आपका नाम पता ये सब दिखाई देगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद अगले स्टेप में चलिएगा। अगले स्टेप में आप लोगों को अपना डिटेल डालना होगा पर्सनल, कि आपका जेंडर क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, आप मैरिज या फिर नहीं है। अगले स्टेप में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में आप लोगों को अपने फादर का नाम सेलेक्ट करना है, अपने नाम भरना है उसको भर लीजिएगा, मदर का नाम भरना है। तो इतना सारा डिटेल आपको अपना पर्सनल डालना होगा। फिर चलते हैं अब अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल डिटेल डालना होगा, तो कितने पढ़े लिखे हैं आप, आपने कितनी क्वालिफिकेशन की है, ये सारे डिटेल आप लोग यहाँ पे इजीली डाल दीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, अगर आप सैलरी पाते हैं तो सैलरी भी डाल दीजिएगा यहाँ पे डिटेल, वरना आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट डाल के भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो दोनों टिक जो नीचे की तरफ, आपको दो टिक भी करनी होती है बेसिकली इस स्टेप के अंदर।
और दोनों चेक आपको यहाँ पे सही सही लगाने होते हैं अगले स्टेप में, तब ही आप जा पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं अगले स्टेप के लिए। तो अगले स्टेप के लिए हमने क्लिक किया, इसके बाद देख सकते हैं कुछ और डिटेल हमें भरनी है, एड्रेस डिटेल भरनी है। तो एड्रेस डिटेल हम यहाँ पे भर देते हैं, अपना पिन कोड डालेंगे, उसके बाद हमारा जो सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, ये सारे डिटेल जो है अपने आप आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर भरना होगा, स्ट्रीट नंबर भरना होगा, स्ट्रीट का नाम क्या है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे भर दीजिएगा। तो सिंपली आप लोग पहले पिन कोड यहाँ पे डालिएगा, पिन कोड डालते ही काम हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए सबसे मेन मुद्दा आ जाता है यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। फ़ोटो खींच के पहले से रख लीजिए, या फिर फ़ोटो आप लोग लाइव भी यहाँ पे खींच सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपने पैन कार्ड का फ़ोटो खींचना है, इसके बाद आप लोगों को एक वाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करना है, उसको भी यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपना लाइव यहाँ पे एक सेल्फी लेना है जिस भी बंदे का आधार कार्ड और पैन कार्ड है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड ही सेलेक्ट करिएगा आप लोग। इसके बाद अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फ़ोटो, दोनों ही फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने बैंक का पासबुक का फ़ोटो है तो ठीक है, कैंसिल चेक है तो भी ठीक है, ये डाल दीजिएगा। उसके बाद चेक इन करने के बाद प्रोसेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये सारे देख सकते हैं हमने अपना जो है पैन कार्ड और अपना सिग्नेचर और अपना फ़ोटो सेल्फी जो था वो यहाँ पे डाल दिया। और डालते ही यहाँ पे देखिए डन डन का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये समझ जाइएगा कि डन हो गया, तो मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो गया। अभी कुछ और डॉक्यूमेंट नीचे की तरफ बचे हुए हैं, तो चलिए हम उसको भी यहाँ पे भर के आपके सामने यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। डॉक्यूमेंट को यहाँ पे खींच खींच के अपलोड हमने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए आपको दिखाई देगा आई वांट टू ट्रेड इन डेरिवेटिव, इसको आपको टिक नहीं करना है। जैसे ही आप इसको टिक करोगे तो ढेर सारी फजीहत हो जाएगी, ढेर सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो मैं इसको क्लिक नहीं करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। अगले स्टेप में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार का वेरीफिकेशन करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो आधार कार्ड आपने यूज़ किया है डॉक्यूमेंट के अंदर सबमिट किया है, उसके ऊपर एक OTP आएगा, जो नंबर रजिस्टर होगा उसको यहाँ पर आपको डालना है। तो साइन कर लेना, यानी अपना सिग्नेचर जो है यहाँ पे डिजिटल माध्यम से दे देना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। तो अगला पेज देखिए यहाँ पे खुल चुका है, यहाँ पे 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड और अभिषेक कुमार गुप्ता जो मेरा नाम है वो लिख के आ रहे हैं। फिट करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम लोगों को NFDL के वेबसाइट पे लेके जाएगा। ये NFDL के वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे OTP मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, बेसिकली जो आधार कार्ड आपने डाला है उससे जुड़ा जो नंबर है उसके ऊपर 4 अंकों का 5 अंकों का OTP आएगा, जिसको यहाँ पे हमको सिंपली डाल देना है। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, KYC का प्रोसेस था, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद 5 पैसा वाले कुछ दिनों के बाद, हो सकता है 1-2 घंटे बाद या फिर 1-2 दिन के बाद, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों के ऊपर यहाँ पे आईडी और पासवर्ड भेजेंगे, जिसकी सहायता से आप सभी लोग 5 पैसा के अंदर साइन अप कर पाओगे। और जब आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को 250 रुपया मिलेगा, प्लस आप लोग किसी को रेफ़र करते हो तो भी आपको यहाँ पे 250 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी हमारे फंक्शन थे हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ रह जाता है तो 5 पैसा वाले आपको फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि सर आपका क्या छूट गया है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो आप लोगों को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 250 रुपये अगर आप लोग अर्न करना चाहते हैं तो 5paisa.com के अंदर जाइए, रजिस्टर करिए, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा एप्लीकेशन को। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में हम आपको इसी तरह। अभी तो मैंने आपको बता दिया कैसे वो एप्लीकेशन ओपन करना है, कैसे साइन अप करना है, सब कुछ बता दिया। आप कितना इनकम करते हो मेरे को मेरा पर्सनल टेलीग्राम में मैसेज करना, मैं भी टेलीग्राम का, मैं मेरा पर्सनल टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा, और नीचे मैं व्हाट्सअप का नंबर दूँगा, उसमें भी चाहो तो तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरा, ठीक है? वो कॉल का नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है? उसमें कॉन्टैक्ट कर लेना, जो भी जहाँ पर भी आपका गलत होगा मैं आपको अच्छे से समझा के उसको रीओपन करवा दूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम बाद में बताओ कि पैसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला, लेकिन मैं जो प्रोसीजर बताया उससे सही से फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन पहला आप जो पहले मेरा लिंक डाउनलोड करो ना, आपको 300 रुपये फ्री में मिलेगी, ठीक है? उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे लिंक से ज़रूर डाउनलोड करना, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।